हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में आज हम टैली प्राइम में सीखने वाले हैं कि आप अपनी पार्टीज या कस्टमर्स जिनको आप उधार पे माल बेचते हैं उनके लिए क्रेडिट लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि जो आपकी पार्टीज या कस्टमर्स हैं जो आपसे उधार पर माल लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप ये टैली प्राइम में सेट कर पाए कि आपकी कौन सी पार्टी कितने अमाउंट तक का माल उधार पर ले पाए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पार्टी जो है वो केवल 5,000 तक का ही उधार पर माल ले पाए, अगर वो पार्टी आपसे 5,000 से ऊपर का माल उधार पर लेती है तो टैली प्राइम में उसकी बिलिंग ही ना हो, यानी कि उसका सेल बिल ही ना बने। तो देखते हैं कि टैली प्राइम में हम पार्टीज या कस्टमर्स के लिए क्रेडिट लिमिट को कैसे सेट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि टैली प्राइम के नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पर आएंगे और लेजर को क्रिएट करेंगे। तो अब जैसे हम यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं, लाइक हम यहाँ पर पार्टी का नेम एंटर करते हैं RD ट्रेडर्स, जो कि सन्ड्री डेटर्स है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स। इसे यस करेंगे और कंट्रोल A प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं तो आपको यहाँ पर फील्ड मिल जाती है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर RD ट्रेडर्स इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं 5,000। तो अब हमने यहाँ पर इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट सेट कर दी है कि ये पार्टी 5,000 रुपए तक का माल ही क्रेडिट पर ले सकती है। तो अब हम यहाँ पर जो है इस पार्टी की बाकी की डिटेल्स भी एंटर कर लेंगे और अब कंट्रोल A प्रेस करके लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अब हम यहाँ पर वाउचर्स पर आते हैं। अब जैसे हमें सेल बिल क्रिएट करना है RD ट्रेडर्स के लिए, पार्टी नेम में RD ट्रेडर्स सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पार्टी के डिस्पैच डिटेल्स एंटर कर लेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ कंट्रोल A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर पार्टी की डिटेल्स आ जाएंगी, कंट्रोल A प्रेस करेंगे इसे सेव करने के लिए। सेल्स लेजर में सेलेक्ट करेंगे सेल्स। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि इस पार्टी की जो क्रेडिट लिमिट है वो 5,000 है। अब यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी एंटर करेंगे, फिर रेट एंटर कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर 5,500 का बिल अमाउंट बना है और अब हम यहाँ पर कंट्रोल A प्रेस करके बिल को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने बिल को सेव किया तो यहाँ पर हमें एक एरर शो हो गया, क्रेडिट लिमिट ऑफ RD ट्रेडर्स 5,000 एक्सीडेड, यानी कि इस पार्टी की जो क्रेडिट लिमिट है वो 5,000 है और अभी जो इस पार्टी की बिलिंग हो रही है वो 5,500 की हो रही है। तो इस तरीके से जिस पार्टी के लेजर में आप क्रेडिट लिमिट को सेट करते हैं और अगर उस पार्टी की बिलिंग उस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा की होती है तो फिर आप टैली प्राइम में उसका बिल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आपको इस तरीके से एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। और अगर यहाँ पर इस पार्टी की बिलिंग 5,000 से नीचे या 5,000 तक होती है, जैसे अभी आप देखेंगे हमने यहाँ पर रेट चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर इसका जो बिल अमाउंट है वो हो गया है 4,000 और अब अगर हम इसे कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट करते हैं तो इस पार्टी का जो ये सेल बिल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में अपनी पार्टीज के लेजर में उनके लिए क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।